अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम अबाउट अस का पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह ब्लॉग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप ब्लॉग ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आना है पेजेस के ऊपर। ठीक है, पेजेस के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे एक प्लस का साइन है और न्यू पेज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख देना है अबाउट। ठीक है, अबाउट या अबाउट अस या अबाउट मी, ये डिफरेंट किस्म के पेजेस होते हैं इस तरह के, या जस्ट अबाउट भी होता है। तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब ये तो चीज होगी इस तरह। अब प्रॉब्लम ये है कि हम या तो इस जगह के ऊपर कंप्लीट हम अपनी पोस्ट लिखें तो बहुत टाइम लगेगा, डेफिनेटली हम शॉर्टकट ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप आए, गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है अबाउट पेज जनरेटर। अबाउट पेज जनरेटर, इसको आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है और फर्स्ट जो लिंक है ये आप सर्च करेंगे अबाउट पेज जनरेटर, और जब सर्च कर लेंगे तो फर्स्ट जो लिंक है उस फर्स्ट लिंक को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से गेट स्टार्टेड, जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो न्यू पेज पर लेके जाएगा जो जहाँ पर आपसे वो आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपने अपने जो आपका ब्लॉग है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो हमारे ब्लॉग का नाम है फ्रीलांसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है जो आपका मेल एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, मिस्टर साहब को। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख के जस्ट क्लिक करना है और आपका पेज जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सी योर पेज नाउ, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे ये पेज क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे चीजें हैं थोड़ा सा, उन चीजों को आप लोगों ने गौर से देखना है, किन किन चीजों को आप लोगों ने चेंज करना है। वेलकम टू फ्रीलांसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जो हमने वहां पर नाम लिखा था, योर नंबर वन सोर्स फॉर ऑल थिंग्स किसके बारे में है, रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने खुद से करनी होगी, और उसके बाद वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग यू ये सारी चीजें बेस्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है, और उसके बाद विद एन एम्फसाइज ऑन लर्निंग ऑनलाइन डेवलपिंग स्किल्स और उसके बाद अर्निंग ऑनलाइन। तो ये चीजें आपने अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आएगा फाउंडेड इन ईयर, जिस ईयर में है तो वहां पे आप लोगों ने ये ईयर लिखना है, बाय फाउंडर नेम, जो फाउंडर नेम होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद
टिप्स एंड ट्रिक्स हैज कम लॉन्ग अ वेरी फास्ट बिगिनिंग। स्टार्टिंग लोकेशन कहाँ की है जी, हम यहाँ पे रख देते हैं पाकिस्तान। आप अपने कंट्री का नाम भी रख सकते हैं। और फिर अगेन फाउंडर नेम, जस्ट मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे मैं हीज हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद इस सब को आपने खत्म कर दिया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हमने रखना ही नहीं है। वी होप प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह ये सारी चीजें ओके हैं। और उसके बाद नीचे आपने अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो ये आपका अबाउट अस का पेज क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर देना है। कॉपी टू क्लिप बोर्ड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आना है और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। जब आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ये कुछ चेंजिंग्स हैं, ये एक्सटेंशन लगी हुई है ग्रामरली, तो वो ऑटोमेटिकली इसको जो इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स होती है वो इसको करेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से इस पेज को पब्लिश कर देना है, कंफर्म, ठीक है। तो ये पेज हमारा अबाउट का बन चुका है। इसको देखने के लिए ये आंख के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये पेज आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये पेज हमारा आ चुका है, इस तरह का हमारा पेज है। अभी तक एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ तो है कल जो हमने लिखा था यहाँ पे, लेकिन मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। क्यों? रीजन ये है कि इसका जो लिंक है हमने अभी तक वहां पे नहीं लगाया। ये क्यों बताया आपको, क्यों? बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी चीज के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, आगे कुछ शो नहीं हो रहा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो, कुछ होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस रीजन की वजह से शो नहीं हो रहा। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि ये जो लिंक है, इस लिंक को हमने करना है कॉपी, यहाँ ब्लॉग के ऊपर आना है, लेआउट के ऊपर आकर हमने लिंक्स को ओपन करना है जो कल हमने बनाया था, ठीक है। ये वाले लिंक्स जो है इनको हमने कर लेना है ओपन। हमने किसका पेज बनाया, अबाउट का। अबाउट को करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो यूआरएल वाली जगह है, इस यूआरएल वाली जगह के ऊपर हमने वो जो लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेव किया और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं अबाउट के ऊपर मैं इसको पहले मैं लेके जाता हूँ होम के ऊपर, ताकि आपको सही से पता चल जाए। पहले मैं यहाँ पे ही क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पहले तो सर ने ऐसे किया फिर आप दोबारा वैसे कर रहे हैं। तब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा क्या हो गया। ओहो, सेव ही नहीं किया था, तो ये सेव हो रहा है, ठीक है। सेव होने के बाद वहां पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या मसला है भाई, क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी देखिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं थोड़ी, जब कोई चीज अपलोड हो रही होती है तो अपलोडिंग में इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, एक टर्म होती है सिंक्रोनाइजेशन। सम टाइम जो डाटा होता है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता और उसकी वजह से सर्वर के ऊपर डाटा जो है वो नहीं पहुंच पाता। अगर कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो उनको इन चीजों का पता होगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की वजह से समटाइम हमारा डाटा जो है वो सर्वर तक नहीं पहुंच पाता, और पीएचपी में इसका बहुत ज्यादा जो है वो ड्रॉबैक समझा जाता है इसको। तो हमारा ये पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे होंगे होम पेज के ऊपर,
होम पेज के ऊपर जब भी आप आएंगे, और यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट अस पे, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है ये मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को बता दूंगा। और अबाउट के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारे का सारा बायोडाटा लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये बायोडाटा तो लिखा हुआ है लेकिन इतना सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, कोई पिक्चर विक्चर होनी चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जो आपने पेज बनाया था ठीक है, उस पेज को दोबारा आपने कर लेना है एडिट। ठीक है, एडिट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके किसी किस्म की कोई पिक्चर लगा देनी है। आप यहाँ पे ऊपर टॉप पे लगा सकते हैं, यहाँ पे बीच में लगा सकते हैं, जिस तरह पिक्चर ब्लॉग लिखते हुए लगाते हैं उस तरह यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं। मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ, पिज्जा पे जाए ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी फ्रीलांसिंग। तो ये पिक्चर यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको कॉपी इमेज और यहाँ पे चलिए इधर ही इसको पेस्ट कर देते हैं। ओ गलत जगह पे था, यहाँ पे हो गया जी ये पेस्ट ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि स्क्रीन के ऊपर अच्छा भी लगे। और यहाँ पे आपने इसको अपडेट कर देना है, अपडेट करने के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर शो हो जाएगा ठीक है। तो ये अबाउट का पेज आपका अब इस तरह शो होगा सही है। तो ये था अबाउट अस का पेज, इस तरह आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, लेक्चर भी हमारा तकरीबन एंड होने वाला है, 1 मिनट बाकी है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।